भाई बहन लड़कन सबको के राम राम, नमस्ते सलाम। आज हम फिर से उपस्थित बाती हस्ती मस्ती समाचार लेके। आज है अप्रैल के 11 तारीख 2022। समाचार पढ़े से पहले मांगिला उ लोगों के जेकर घरे कोई के मृत्यु भइल है, शोक सहानी भूति प्रगत करे और यही मांगिला बोले कि भगवान से प्रार्थना करो कि तू लोग के शक्ति देवे ई महान दुख सहे के खातिर। जे कोई बीमार या लाचार अस्पताल या घरे है ओके फनहार्त बेतर साहब, और जेकर घरे कोई नौता है ब्याह शादी छठी मोरन, तू लोग के बहुत से बहुत बधाई हो। यहाँ से हम शुरू करें बे समाचार। तब समाचार में सबसे पहला खबर ई हैगा कि कल्हिया रात में लगभग 4 बजे तब एगो मौतर गाड़ी रहा टायर ब्लास्ट रात में, एगो टैक्सी रहा, तो एगो आदमी जेरी एस के मोटर गाड़ी रहा, तो एकाध जने गए रहे गो बार में, तो जब उस सब लौटल तो उस सब टैक्सी खो जाता है, तो सभन गल खटखतावे, देखे ये आदमी ऑटो में सूतल है, तो गल खटखतावे, तो जब मोइस ताकिस तो देखे ये आदमी छटपटा है, तो सभन जब हल्दी से ऐना ऐना फोड़ ओढ़ के सभन मांगी सो के निकारे, तब जब देखिस तब पता लगल कि आदमी अपन आखिरी सांस निकारता है। तब सभन सिपाही के तार ओर करी, सिपाही आए तब ओके लेके चल गए हैं, ओकर लाश सभन लेके गए है। अब सभन सोची देखी कि कौन ची हो दतरा ताकि कि कैसे ओकर मौत भइल हैगा। सोनोब्लूमस्ट्रात में आज सुबह मारिया हार्थमन स्कूल लगे, वहाँ पर एगो आदमी लगभग 11 बजे सभन देखिस कि एगो आदमी आधा ओकर मौतर गाड़ी मुकर दे ही है आधा बहिरे, तो सभन जब देखिस ओके तो सबको गए लोग निकार उकार के लाइस नीचे धरिस, तो सभन एम्बुलेंस तार करिस, एम्बुलेंस आयल है, तब जब सभन मानिस उठाई के ले जाए तो बोले एकर तो देहांत हो गया हैगा। अब पता ना है कौन ची भइल, अब सिपाही ओहू अब खोजबीन करे कि अब ओहुआ पर कौन ची भइल है। आज सुबह एगो 64 साल के औरत एगो बस में रहा और उजाता है, तो लगभग 9:30 बजे कैसर रात में ओकर जीवना मोई रहा, तब वो बेहोश हो गए, तो शफ्योर जोन है उमा उतर गाड़ी कांति लगाई के और सिपाही के तार करिस, तो सिपाही आयल है, तो सिपाही जब एम्बुलेंस के बैल करिल, तो जब एम्बुलेंस आयल तो बोले इकर तो सांस ना चले हैं, तो उस श्रीमती के भी मौत हो गए, 64 साल की श्रीमती हैगा। तो देखो 3 जने के देहान भइल है आज सवेरे 4 बजे से 11 बजे तलक। और सिपाही अप मनई लोगन पाइस एगो लाश हौटन में, एगो लाश हौटन में मिलल है एकन हौट वह में। आज सुबह सभन सिप सिपाही 8:30 बजे पाइस है और ओकर हाथ बुई करल रहा, ओकर पीठी पे रहा, गोर भी बुई करके और लाकन से तोपल रहा, तो अब सिपाही ओकर लाश बसलाह करे बा और अब सिपाही खोजबीन करे हैगा कि कौन ची हो सके हैगा। अब सिपाही ओके अब ओकर खोजबीन करे, तो देखो कि कितना आफत रहा, एगो आदमी के लाश मिलल हैगा, ना लाश मिलल न मोटर गाड़ी के धक्का से, न 56 साल के लालका प्रसाद बुधराम ओके सब कोई मुन्नास के नाम से जानता है, तब ओकर लगभग मैनकन दाम लगे वहाँ पर ओकर धक्का भइल है और ओकर देहांत हो गया हैगा मोटर गाड़ी दुर्घटना द्वारा, वो भइल है कल्हिया लगभग 6:30 बजे। तो देखो कितना जने के मौत भइल हैगा कल्हिया और आज में। आज सुबह एगो कैल्शियम स्त्रात में एगो घर में चोर हिलल हैगा और 4 जने गए हैं पिस्तौल ले ले रहा, माई और बेटुआ सूतल रहा, सभन माई बेटुआ पकड़ के ओके बांध के और गहना पैसा और जो कितना सामान चोरी करके और ले के भाग के पास सभन सैफ डेर तूर के सभन भीतर गए हैं। तेल के दाम तो उतरल है, दुनिया भर पे तेल के दाम उतरल हैगा। बात ये हैगा जब से रूसलैंड और उक्राइन से
जंग होवे हैगा तो तेल चढ़ते गल चढ़ते गल चढ़ते गल। सोमवार के सुबह एक सौदाला में बिकाता है तेल, और तब 7:30 बजे सुबह तेल हो गया 95 डाला में, तब 5 डाला से उतरल है तेल के दाम, और तेल के दाम तो हो गया रहा 120 डाला एक बारिल, तो अब उतरल है 95 डाला भैल है एक बारिल के। बोले कि तेल इतना सस्तान है काहे से, बोले चीना में बहुत ज़्यादा कोरोना ऐसा भैल है, बोले शंघाई में साइड बहुत ज़्यादा है, बोले 26,000 बस मैटिंग एक रोज में, वही से लॉकडाउन हैगा कोरोना में और चीना में लॉकडाउन हैगा, तो उ वजह से चीना उतना तेल ना खरीदे है। बोले सबसे ज़्यादा तेल चीना खरीदता है, तो अब जो हुआ लॉकडाउन है तो मोटर गाड़ी उड़ी ना चली, तो चीना उतना तेल ना खरीदे है, वही से तेल तनी सस्तान हैगा। अनहाकरिन बंक के जोन डायरेक्टर है रफिक शिवराज पांडे, ओकर बारे में कितना चीज लिखान रहा, बोले उ औरत लोग के छुई छाई लगावे की बातचीत करे कि कौन ची करे है पता ना है, बोले सेक्सुअल मोलेस्ट तो ऑन हर पास्ट हजरा, तो अब सब कोई अब ओकर बारे में खोजबीन करे लगल है कि कौन ची भैल हैगा, कौन ची दुई गो गैल सिपाही लगे नालिश करी से, तो अब सबन खोजबीन करे कि कौन ची प्रसिद्ध करी से, वो कोई के मुइलक करी से, कोई के बलात्कार करी से, कोई के छुई से, कौन ची अब वही खोजबीन होवे है। एगो घर ईटा लकड़ी के घर रमाई स्त्रात में आज सुबह जर के राख हो गए बा, और बोले घर में कोई ना रहा था, 5 मीटर और 7 मीटर के घर रहा, और बोले कि जो अगल बगल घर रहा ओमन हानि ना भइल है, बाकी वो घर जर के राख हो गए हैं। और खिस्तस तलक आफूबाका के जोन पोर्ट हैगा जहाँ से पानी गिरे है खुलल रहेगा, बोले कि बहुत ज़्यादा पानी है इस ट्यूमेर में, वही सबन खोल दी से जो ने पानी निकरे बहे। इतवार के रात के एगो आदमी हरदस्त रात में ओकर मोटर गाड़ी ओकर ब्रॉमफिट्स के बांती बदलता है, तब इतने में 2 गो चोर आयल है, ओके पकड़ी सहीगा और ओके पकड़ के बोले पैसा दे, तो बोले पैसा ना है, बस उस सब ओकर केती चोरी करके ली के भाग गया। गयाना के प्रेसिडेंट बोले 100,000 गयानीज के अपन देश में मांगे, बोले देश ओकर फिनो चाहे बने के, आप लोग जाने गयाना के तेल निकले लगल, गयाना के तेल जाए लगल दूसर देश, गयाना के बहुत आमदनी है, गयाना में कितना घर बने, गयाना इस साइड मोई चले हैगा, तो अब निकेरी में कितना ढेर गयानीज हैगा, तब बोले उ सबन अब मांगे जाए अपन देश, बोले अपन देश में जाए मदद करी अपन देश फिनो बनावे के। सुख के रात में 2 आखिरी कईमा जो न रहा परामारी बोसू में ओहु चोरी हो गए बा, 14 बरिस से ज़्यादा वो 2 कईमा हुआ रहता है, बोले कि सबन पाई सहीगा खून, और न बोले कि तो उस सब जाने कि कई मनुआ सबन मार के लीक चल गए है, बोले हो सके मुड़िया मारे हो तो सबन लीक चल गए, बोले कई माँ बहुत बड़का रहा, तब बोले कि वो 2-3 जने जरूर ले गए हो, 2 गो पहरेदार है, बाकी पहरेदार कुछ ना जानिस ना कुछ सुनिस ना कुछ, कब कई माँ ली के चल गए, अब ऐसने धीरे धीरे एक एक जनावर खाली हो गए हैं। 26 साल के औरत सुरीनाम में रविवार 10 तारीख अप्रैल के गल एज तो होल, बोले ओकर हाथ में लाई लगल हैगा, बोले कि एगो पिस्तौल अचानक, बोले अचानक पिस्तौल चल गए, बोले वो एक आध गो संघत संगे गए रहा न कहूँ पौरे, तो बोले कि वहाँ पर एक जने ली गए रहा पिस्तौल, तब बोले ई बोले लाओ हम देखी, तब बोले जे ई ताकत है बस उतने पे दग गया। अब जब सिपाहियों से पूछे है कि केकर संग है तू गए रहे, तो नाम ना मांगे बतावे, कहाँ गए रहे तो वह नाम ना मांगे बतावे, तो जब तू ना बताइयो
तो सिपाही अब आगे खोजबीन करी तो सिपाही तो के पकड़ के पूछी क्योंकि सिपाही मांगे जाने कौन पिस्तौल से लाई लगल हैगा। एगो 44 साल के आदमी एगो बैटिंग शॉप सारा मकस्त्रात में तो वो गैल हुआ पर बस वो एगो न जो मशीनिया है ओके मार के फोड़ धारिस और फोड़ के बस क्लेरेंस का ओकर नाम है बस वो दौड़ल तो जोन फेसीबी बैंक के पहरेदार लोग खाएगा वो सब पकड़ीस। तब जब पकड़ीस तब बोले कि वो गुस्सा के मारा फोड़ दी सहीगा क्योंकि 320 रुपया उलास हो गया रहा। तब बोले उलास हो गया तो वही से फोड़ के चल गए। जब तू जाने है कि जुआ खेलियो तो मन हार जीत के खेल हैगा ओ मन हार जीत हैगा जब जीतियो च जीतियो हरियो तो ना खेलो और जब खेलियो तब तो के चाहे भी ओमन सावधान रहे के कि तू हार सके है तो जो हर ले तो अपन चल जा। यहाँ तक रहा आज के लिए हंसती मस्ती समाचार। जो भूल चुक हो क्षमा कर दियो। जिंदगी बाकी रही तो कल यही मोड़ पे मुलाकात होगा। सब कोई के राम राम नमस्ते सलाम। हस्ती मस्ती समाचार के स्पॉन्सर है लानबाव शॉप गरीब। लानबाव शॉप गरीब वो दुकान है जहाँ पर छोटा छोटा खिल्ला से बड़का बड़का कासी बेदी गद्दा बिका हैगा। हुआ पर सौदा पानी भी सस्ते दाम पे बिका है। चाहे जोन सामान के जरूरी भैल पहुँच जा लानबाव शॉप गरीब। हुआ पर सब सामान मिले है। लानबाव शॉप गरीब है इंदिरा गांधी वेग पौली निवखरौन के बगले में। पार्केर प्लाट्स भी है हुआ पर। एक फिलियाल है लेली दौरब जहाँ वाटर लाइडिंग के पैसा भरा है ओकर बगले में। एक फिलियार है तुतलीफो कनाल में। हुआ पर भी पार्केर प्लाट्स है। एक फिलियाल है मार्टिन लूथर किंग वेग हुआ पर सोतू पोस्ट के हबरा में हैगा। और एक फिलियाल है क्वाता में जहाँ पर देशकोटी ककाओ है ओकर बगले में। चाहे जोन सामान मंगे खरीदे चल जा लानबाव शॉप गरीब में। मुर्गी तैयार है शुरू वाला गादो। Let's eat lekkers dan moet je zijn bij Silas Roti Shop. Gevestigd op twee locaties aan de Quataweg tegenover de Tweede Rijweg, hoek Islamstraat en aan de highway Martin Luther Kingweg, hoek Pandit Paltan Tewariweg en het Mondiaal Complex. Bij ons bent u terecht voor de lekkerste roti kip, roti dog, roti roll, roti vegetarisch. U kunt kiezen uit daal, aloe, paratha en sikwa roti. Verder ook nog nasi, bami, rijst, heerlijke snacks zoals samosa, bara, flori, kroket, lumpia, crispy worm enzovoorts enzovoorts. En niet te vergeten lekkere rasgulla, rasmalai en fruitcocktails. Elke ochtend hebben we lekkere, warme, belegde broodjes. U kunt ook bellen en bestellen. Check ons Facebookpage voor meer info en aangepaste openingstijden. Silas Roti Shop. Bij ons bent u terecht voor eten met kwaliteit en kwantiteit.